गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास नाइन्थ में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। उसमें जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 m/s कोलाइड्स विद एन स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसके अंदर अपने को मोमेंटम फाइंड करना है, इम्पैक्ट से पहले, मतलब कोलिजन हो रहा है उनके बीच में, उससे पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दोनों मोमेंटम अपने को फाइंड करनी है। और जो ऑब्जेक्ट है वुडन ब्लॉक से कोलाइड होने के बाद, वो उससे स्टिक होके एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना। ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कोलाइड विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उस कंबाइंड वेलोसिटी वैल्यू भी अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए इसके अंदर अपने को मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं एम नॉट से लिख रहा हूं, कितना दे रखा है 1 kg। बेटा इसका जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी देखी है, 10 m/s, है ना। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 m/s। u नॉट कितना दे रखा है बेटा, 10 m/s, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, ठीक। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 m/s। मास कितना दे रखा है इसका, 1 kg, और इसका मास दे रखा है 5 kg, और ये स्टेशनरी है मतलब रेस्ट में है, स्टेशनरी मतलब एक जगह रखा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, जीरो। जीरो क्या होगी इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो, ठीक है। ये तो हो गया कोलिजन से पहले, मतलब इंपैक्ट से पहले। फिर इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद में ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उस कंबाइंड वेलोसिटी की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। तो पहले अपन इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे फाइंड करना होता है कि इसका मोमेंटम फाइंड कर लो, इसका मोमेंटम फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो, तो अपने को टोटल इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। कोलिजन से पहले या इंपैक्ट से पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम अपने को मिल जाएगा। तो अपने पास ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ जाएगा ना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का अपने पास क्या है, मास भी है और ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एम नॉट मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है। तो ये ऑब्जेक्ट का अपना मोमेंटम आ गया, ठीक है। कितना आ गया, मास कितना देखा, 1 kg, और वेलोसिटी कितनी देखी है, 10। तो मोमेंटम आएगा कितना आएगा, 10 kg/s। तो ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब वुडन ब्लॉक है, उसका मोमेंटम अपन फाइंड कर लेते हैं। तो वुडन ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, जिसको मैं MW से लिखूंगा, W मतलब वुडन ब्लॉक, कितना दे रखा है, 5 kg।
और वेलोसिटी कितनी देखिए बेटा इसकी, इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट में है, मतलब स्टेशनरी वुडन ब्लॉक लिख रखा है ना, स्टेशनरी मतलब ये एक जगह है, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी, जीरो। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना जाएगा, मोमेंटम और ब्लॉक कितना आ जाएगा बेटा, एम डब्ल्यू, मास इंटू वेलोसिटी यू डब्ल्यू। तो मास कितना है ब्लॉक का, 5 kg, और वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो कितना आ गया, 0 kg/s। ठीक है, ये अपने को क्या मिल गया, मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम किसका, ऑब्जेक्ट का भी है अपने पास और ब्लॉक का भी है। तो इंपैक्ट से पहले टोटल मोमेंटम कितना आएगा, दोनों का, दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर इंपैक्ट कितना आएगा, कि अपन मोमेंटम किसका ऐड कर दें, ब्लॉक का और ऑब्जेक्ट का। तो ब्लॉक का जो मोमेंटम है वो कितना है, जीरो, और ऑब्जेक्ट का कितना है, 10। 10 + 0 कितना जाएगा बेटा, 10 kg/s। ये मोमेंटम आ गया है ना। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, इंपैक्ट से पहले मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू इंपैक्ट के बाद, है ना, ये लो लगाते हैं ना अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंट दोनों को ऐड कर देंगे, तो इंपैक्ट से पहले मोमेंटम आ जाएगा, और इंपैक्ट के बाद में कैसे निकालते हैं, इसका मोमेंटम जो भी वेलोसिटी है इसकी, है ना, इंपैक्ट के बाद वो फाइंड करनी अपने को, और इसकी वेलोसिटी दोनों को ऐड करेंगे तो इंपैक्ट के बाद मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब इंपैक्ट के बाद मोमेंटम कितना आएगा, तो आपको पता है कि इसके अंदर अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कि इंपैक्ट से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल होगा इंपैक्ट के बाद टोटल मोमेंटम के, यही तो होता है। और इंपैक्ट से पहले जो टोटल मोमेंटम है कितना, 10, वही क्या होगा इंपैक्ट के बाद, तो इंपैक्ट के बाद भी टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10 kg/s, ये होगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखिए, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया कि मोमेंटम इंपैक्ट से पहले कितना आया अपना, 10 kg/s। अब अपने को फाइंड करना है जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, ये भी अपने को फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, इसके लिए अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। तो बेटा जो टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट है वो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट अपन ने निकाले कितना, 10, तो यहां पे 10 रखेंगे तो टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 10। वही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है कि कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल होगा कोलिजन के बाद, है ना। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, 10 है, वो इक्वल हो जाएगा कोलिजन के बाद के मोमेंटम के।
तो कोलिजन से पहले 10 है, तो बाद वाला मोमेंटम भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो जिस सेकंड का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना आ जाएगा बेटा, कोलिजन या इंपैक्ट कितना आ जाएगा, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। बिफोर कोलिजन के इक्वल आ जाएगा ना, किस लॉ से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, ये दोनों इंपैक्ट के बाद एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी की वैल्यू अपने को बतानी है। तो देखिए कि उस वेलोसिटी को अपन क्या ले लें, वी ले लें, है ना, इंपैक्ट के बाद जो वेलोसिटी है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, वी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, है ना। इंपैक्ट से पहले मोमेंटम कितना आया था बेटा, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट कितना आया था, 10। ठीक है, इज इक्वल टू इंपैक्ट के बाद में जो टोटल मोमेंटम है वो अपन फाइंड कर लेते हैं। तो इंपैक्ट के बाद में टोटल मोमेंटम भी 10 ही था, लेकिन अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, एम कौन कौन से होगा, एक तो अपने पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोमेंट है एम ओ, और कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से जा रहे हैं, वी वेलोसिटी से, है ना, सेम ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो क्या ले रहा हूं मैं, वी प्लस ब्लॉक का मोमेंटम एम डब्ल्यू, ये भी किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वी वेलोसिटी से। ठीक है, 10, इसके अंदर देखो बेटा वी कॉमन आ गया, तो क्या ब्रैकेट में क्या आएगा, एम नॉट ऑब्जेक्ट का मास प्लस ब्लॉक का मास। ठीक है, 10 वी, ऑब्जेक्ट का मास बेटा कितना है, 1, ब्लॉक का मास कितना है, 5 केजी, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 6। तो 10 इज इक्वल टू 6 वी, तो बेटा वेलोसिटी जो कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन 6 कितना आएगा, 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो इंपैक्ट के बाद जिस कंबाइंड वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं वो कितनी आई है, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों का मोमेंटम तो क्या है, सेम है, इधर भी 10 है, इधर भी, इंपैक्ट से पहले भी 10 है और इंपैक्ट के बाद भी 10 है। ठीक है, लेकिन अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो अपन ने दोबारा ये फॉर्मूला लिखा कि टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट, टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। ठीक है, इसको अपन बिफोर इंपैक्ट अपन ने कितना निकाला था, 10, आफ्टर भी कितना होगा, 10 होगा, लेकिन अपन फॉर्मूला लिखें उसके लिए, है ना, ये होगा कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ये वी दोनों की सेम ही है, और मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी, है ना, इससे वेलोसिटी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, दोनों का मास अपने को दे रखा है, यहाँ पे अपन वैल्यू रखी, तो जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 5/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर अपने को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और साथ ही फोर्स भी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है बेटा, अपने को वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 से 8 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले अपने को मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हंड्रेड केजी। ठीक है, फिर अपने को वेलोसिटी देखी है, देखो 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, है ना, होने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी देखी अपने को, 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपने को,
वी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 से 8 मीटर वेलोसिटी होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 सेकेंड। टाइम भी दे रखा अपने को कितना, 6 सेकेंड। तो अपने को इनिशियल मोमेंटम फाइंड करने, तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, कितना है मास ऑब्जेक्ट का 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 5, तो जो इनिशियल मोमेंटम आएगा कितना आएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू फाइनल वेलोसिटी वी, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा 100, वही ऑब्जेक्ट है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 10, सॉरी फाइनल वेलोसिटी है 8, तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अपने को फाइंड करने थे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। नेक्स्ट अपने को इसके अंदर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो अपने को फोर्स फाइंड करना है, जबकि अपने पास मोमेंटम है फाइनल और इनिशियल, तो फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन ऐसा, तो जानते हो सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के, है ना, जो मोमेंटम में जो चेंज होगा अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। जाए उससे अपने को एक इक्वेशन मिली थी, एफ क्या मिला था इक्वेशन देखिए आप, कि मोमेंटम में जो चेंज था एम वी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के, ठीक है। ये इक्वेशन मिली थी अपने को, तो फोर्स आ जाएगा बेटा इससे एफ, ये कौन सा मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा 800 माइनस, ये कौन सा मोमेंटम हो गया इनिशियल मोमेंटम, कितना है 500, कितना है 500, और टाइम कितना दे रखा है बेटा 6 सेकेंड दे रखे, तो कितना जाएगा ये 300/6 कितना आएगा 50 न्यूटन, फोर्स कैसा है न्यूटन क्या होती है न्यूटन, तो 50 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 cm, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सलेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, कि एक डंबल है वो जिसका मास अपने को दे रखा है 10 kg, वो फ्लोर पे गिर रही है, फ्लोर पे गिर रही है तो कितना मोमेंटम फ्लोर को ट्रांसफर करेगा वो, उसकी वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। तो देखिए अपने को मास दे रखा है, कितना दे रखा है 10 kg, हाइट दे रखी, कितनी हाइट से नीचे आ रही है 80 cm है ना हाइट, बेटा ये सेंटीमीटर में है, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड देंगे 100 से, तो 80/100 कितना आएगा बेटा 0.8 मीटर, ठीक है। मतलब फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल है वो ऐसा यूनिट में ही सोल्व करनी है आपको, और ए की वैल्यू अपने को देखिए कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो अपने को क्या फाइंड करना है, मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अपने पास मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी, न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन से, क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी फाइनल वेलोसिटी, बेटा देखो फाइनल वेलोसिटी, अब जैसे वो फ्लोर पे गिरेगी तो बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो डम्बेल है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है डम्बेल, एक जगह वो पहले स्टेशन रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जीरो। फिर जैसी फ्लोर पे गिरेगी उसकी वेलोसिटी अपन फाइंड करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी उसकी, जीरो। कैसे, क्योंकि एक जगह वो रेस्ट में थी ना ऊपर, कहीं वो है ना रेस्ट में थी, जैसी वो नीचे गिरी तो फाइनल वेलोसिटी अपन निकाल लेंगे उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट में थी तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। तो वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, साथ में क्या स्क्वायर टू, ए की वैल्यू कितनी है 10, रेस्ट की वैल्यू कितनी है 0.8, डिस्टेंस कितना देखा है हाइट, हाइट एक तरह की डिस्टेंस ही है, कितना है 0.8, ठीक है। जीरो का स्क्वायर बेटा जीरो, जीरो प्लस टू, ये पॉइंट यहाँ से टाएंगे तो क्या आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 इंटू 8 कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, तो जो वी स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 16। तो बेटा v की वैल्यू कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को वेलोसिटी मिल गई, अब अपन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा m इंटू वी, मास दे रखा है बेटा कितना 10 के जी, और वेलोसिटी अपन ने फाइंड कर ली 4, तो कितना आ गया मोमेंटम 40 के जी मीटर पर सेकेंड, तो ये मोमेंटम आ गया। तो ये अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।